नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग का और आयत का एवं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया, तो वर्ग, आयत और वृत्त। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है। आप जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग उसको कहते हैं कि जो आयत का रूप हो लेकिन उसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण उसके समकोण होते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इस चित्र में दिया गया है कि ये देख रहे हैं ए बी सी डी एक वर्ग है। इसमें देखिए ये भुजा दी गई है इसकी, ए बी ए है, बी सी भी ए है, डी सी भी ए है और ए डी भी ए है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो जब सभी भुजाएं बराबर हों तो हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो सभी भुजाएं अगर बराबर होता है तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिख देंगे 4 × भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × भुजा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी धन बी सी धन डी सी धन ए सी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर लिख देंगे कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे ए बी धन बी सी ए डी हो गया और धन डी सी लिख देंगे, इस तरह से डी सी हो जाएगा। और देख रहे हैं सबकी भुजा ए है, तो आप इसको लिख देंगे ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और इसको आप लिख सकते हैं बराबर 4 ए हो गया। इस तरह से परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 × भुजा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि 4 × भुजा, या आप इसको लिख देंगे ये हो जाएगा 4 × ए, इस तरह से। और इसको लिखा जाएगा, इसकी इकाई जो होगी अगर मीटर है तो मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। जो इसकी इकाई होगी इसकी इकाई लिख दिया जाएगा। इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप का अर्थ ये होता है कि हमको एक सिरे से एक कोने से चल करके पूरे इसके चारों तरफ का जो चक्कर होता है इसे कहा जाता है परिमाप। आप यहाँ से चल करके ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे तो यही हो जाएगा परिमाप। परिमाप परिख मतलब होता है चारों तरफ, माप मतलब माप। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि क्षेत्रफल का मतलब ये होगा कि इसका जो अंदर का भाग होता है, जो जगह होती है, वही इसका क्षेत्रफल होता है। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही इसका ये भाग आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है भुजा × भुजा। तो आप लिख देंगे यहाँ भुजा × भुजा, या आप इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा भुजा का वर्ग हो जाएगा, भुजा का वर्ग। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं साइड इंटू साइड बराबर होता है साइड स्क्वायर। इस तरह से इसका जो एरिया होता है, जो इसका एरिया जो क्षेत्रफल होता है, तो साइड × साइड माने हो जाएगा भुजा × भुजा। तो यह जाएगा भुजा का स्क्वायर, और इसकी जो इकाई होती है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, इस तरह से इसका होता है। इस तरह से अगर विकर्ण निकालना होगा तो वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण का मतलब होता है कि इसका हो जाएगा ए वर्ग हो जाएगा और ए वर्ग हो जाएगा, और इसको जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 ए वर्ग, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 1 × 2 इसका विकर्ण हो जाएगा। इसी तरह से हम आयत का भी निकाल लेंगे। आयत किसको कहते हैं, आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो और उसका कोण समकोण हो तो उसको आयत कहते हैं। इस तरह से आयत के कोण समकोण होते हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। तो लंबाई देख ले, मान लेते हैं लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो इस तरह से आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा L धन B धन L धन B,
या इसको आप लिख सकते हैं 2l-b। इस तरह से इसका परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा 2l-b। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर है, तो मीटर जो भी रहेगा मात्रा आप इसमें लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है, लंबाई को एल है तो एल गुणे बी। इस तरह से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एल बी, इसको आप लिख देंगे एल बी। आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आयत का विकर्ण हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आयत का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप बहुत ही सरल ढंग से निकाल सकते हैं। तो आयत का परिमाप निकालना होगा तो आपको चारों भुजाओं का माप लिखना होगा, और लेकिन अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसके लिए आपको लंबाई गुणे चौड़ाई एल गुणे बी, इसका क्षेत्रफल वाला सूत्र करके इसको निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो आपको इसके अंदर की क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर कोई वृत्त दिया, अगर हमको व्यास निकालना हुआ, वृत्त की त्रिज्या निकालना हुआ, वृत्त की परिधि निकालना हुआ और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कोई इस तरह का एक वृत्त है, वृत्त में देख रहे हैं इसकी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, चाहे इसको आप कैपिटल आर लिखें चाहे स्मॉल आर लिखें, और इसके केंद्र को हम ओ से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से। और ये हो गया इसका परिधि देख रहे हैं, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र के ऊपर जो परिसीमा होती है इसको कहते हैं परिधि, ये परिधि हो गया। तो परिधि निकालने के लिए और व्यास निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, तो देखिए ये त्रिज्या हो गई, इसको आर कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास अगर निकालना होगा तो वृत्त का व्यास इसका दूना होता है, ये हो जाएगा। और इसको जब डी, इसको डी लिखते हैं, डायमीटर इसको कहते हैं, तो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 × r। इस तरह से आप r का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r, 2r ये बराबर हो जाएगा इसका डायमीटर, ये हो जाएगा d। इसी तरह से अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना हुआ, वृत्त की त्रिज्या देख रहे हैं r है, r आपको अगर d मालूम है, व्यास मालूम है, तो इसको d बटे 2 कर देंगे तो ये जाएगा इसका त्रिज्या। वृत्त की परिधि निकालना है तो परिधि का फार्मूला होता है, इसको आप लिखते हैं व्यास गुणे पाई, ये हो जाएगा व्यास गुणे पाई हो जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 2πr, या इसको लिख सकते हैं पाई गुणे डी। तो इस तरह से अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला रखना होगा πr², इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पाई गुणे आर का स्क्वायर, मारे त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ पर पाई का एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई की एक वैल्यू होती है जिसको हम लिखते हैं 22/7, या इसका मान होता है 3.14, यह आपको याद रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।